अस्सलाम वालेकुम मेरे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो गाइज आज करते हैं व्लॉग शुरू, और कुछ दिन हो गए हैं व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ, तो उसका भी रीज़न बताऊंगी। और बहुत चीज़ें हैं, आप लोग बहुत क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आज सोच रही हूँ कुछ के आंसर दूँ। और इसी के अलावा जो है ना, हमारा दिन शुरू हो गया है। बांग्लादेश में बहुत बारिश होने लग गई है गर्मियों में, तो जब गर्मियों में बारिश होने लगी ना, तो वेदर भी काफ़ी ठंडा ठंडा होने लग गया। तो इसलिए मैंने सोचा चलो हिम्मत करके आज एक वीडियो करते हैं। गर्मियाँ थोड़ी नहीं है, नहीं तो गर्मियों में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। हमारी मैगी, हेलो मैगी, गुड मॉर्निंग मैगी। तो क्योंकि अभी गर्म वेदर चला गया है ना, तो इसलिए मैंने थोड़े रूम में कैंडल शेडल जला दिए हैं, ताकि थोड़ा रूम की वाइब जो है ना वो अच्छी अच्छी आए। फ्रेंड्स काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि आपके जो हाथ है वो क्या हो गया है, आपका हाथ क्यों सूज गया है, मोटा क्यों हो गया है। तो इसका मतलब, जो लोग मुझे पहले से ही फॉलो करते हैं ना, उन लोगों को पता है कि कोरिया में मैंने एक वीडियो बनाई थी, मेरे हाथ का ना एक्सीडेंट हो चुका था, जो प्रिंट मेकिंग की मशीन होती है ना उसके अंदर चला गया था, और ये वाली उंगलियाँ जो है ना ये दोनों चली गई थी अंदर। और इसी के अलावा जो है ना, मेरा बहुत हाथ डैमेज हो गया था, टेढ़ा मेढ़ा क्या हो गया था पता नहीं, तो हॉस्पिटलाइज हो गई थी। फिर हाथ का काफ़ी दिनों से इलाज हुआ, और हाथ बहुत सूज गया था, पिचक गया था, बहुत टाइम बाद जाके ठीक हुआ। लेकिन मैं लेफ्टी हूँ, तो मेरे लेफ्ट हैंड में ना काफ़ी पावर होता है ना, तो क्या हुआ कि ना अभी लेफ्ट हैंड तो बर्बाद हो चुका था, तो इस हाथ से मैं कम ही काम करती थी। लेकिन अभी जब आर्यन हुआ है, तो बच्चा है, बहुत सारे काम होते हैं, तो क्या हुआ कि ये वाला हाथ में अगेन बहुत यूज़ करने लग गई, और उसके चक्कर में ना ये मेरा हाथ सूजने लग गया है। तो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है इसका। इतने क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा बता ही दूँ कि मेरे हाथ को आखिर क्या हुआ है, सादिया के हाथ को क्यों सूज गया है। तो बस ये जो है ना, दुआ करना ठीक हो जाए। इस हाथ में काफ़ी पेन है, इसलिए वीडियोज़ भी नहीं कर पा रही थी, तो इस हाथ में काफ़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं व्लॉग करती हूँ ना, तो मैं ये वाला हाथ ही काफ़ी यूज़ करती हूँ, तो इसलिए अभी ये बड़ा एक प्रॉब्लम हो चुका है कि वीडियोस करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। इस हाथ में काफ़ी सूजन आ जाती है कुछ टाइम बाद, तो मेडिसिन चल रही है, दुआ करना बस ये चीज़ ठीक हो जाए, सूजन वूजन चली जाए मेरे हाथ की। और अभी आपको दिखाती हूँ बाहर का वेदर। बाय द वे, ये वाली मैंने एक शर्ट ली थी, जो कि मैं बहुत टाइम से पहनी नहीं पाई, तो आज पहनी है। चिकनकारी है ना, उस टाइप का मटेरियल है, कुछ ये बांग्लादेश से ही खरीदी थी मैंने। इसके स्लीव्स बहुत प्यारे हैं, और ये कुछ इस तरीके से है, तो मैंने जो है ना ब्लैक जीन्स के साथ पहनी है, तो कुछ इस तरीके की लग रही है। चलो अभी बाहर का देखते हैं वेदर। ये खोलो, अभी हमारे पास ना मगरिब का टाइम हो गया, मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे अभी, और आपसे मिलेंगे फिर थोड़ी देर में। और ये देखो, ढाका के पेड़ पौधे किस्म किस्म के, आम का सीज़न भी गाइस आ गया है। कमेंट से बताओ कौन कौन आम की चटनियाँ खा रहा है इस मज़ेदार वेदर में, खट्टा खट्टा, गर्मियों में खट्टा खट्टा आम इज़ द बेस्ट थिंग। चलो अभी चलते हैं हम लोग नीचे, आपसे मिलते हैं नमाज पढ़ के। बब हमारे घर के बहुत ही पास है ये दुकान, जस्ट एक रास्ता उस साइड है, एक गली दूर, वॉक करना पड़ता है, जस्ट 40-50 सेकेंड वॉक करने से ही वो दुकान आ जाता है। पूरा चकाचक ठीक हो गया, मैंने टेस्ट करके लिया है, मतलब पूरा फायदा ही फायदा। तो गाइस इमोन जो है ना, अरे ये देखो क्या हरकतें कर रहा है, देखा क्या किमची के लिए लेके आया तुम्हारा बेटा, क्या कर रहा है देखो किसकी, देखो गाइस मुझे छोड़ के क्या कर रहा है दोस्तों से, ये देखो अभी भी मुझसे बात कर रहा था, कॉल आ गई मुझे भूल गया, क्या पका रहा है अभी मेरे लिए देखूं तो सही, क्या पका रहा है ये, क्या है वो, अंडा बना रहा है मेरे लिए, देखो कैसे बात करते करते कुकिंग कर रहा है, ये देखो फोन पे बात करते करते कुकिंग चल रही है, सीखो इमोन से कुछ सीखो, ये किचन में क्या कर रही हो, चलो हम बाहर चलें, चलो भागो, अरे और कहाँ गया ये बच्चा, देखो शेल्फ कैसे खोला आर्यन, ये शेल्फ में तो लॉक लगा हुआ था, कि आस्ते आस्ते करके निकाल रहा है चीजें, फिर बोलते हैं चॉकलेट, हमने कभी इसको चॉकलेट नहीं खिलाया, देखा अभी क्या किया, चिप्स खोल दी आर्यन, चिप्स खोल दिए, दो मामा को दो, मामा लगा वापस, बाहर कर। ये देखो कच्चा चिप्स जो है ना वो खा रहा है आर्यन, पता है कितना डेंजरस है, पता है ये क्या है, हाँ पता है, ये मैगी को खिलाएंगे हम, मैगी तुम खाओ, ओए नीचे दोनों तंग कर रहे हैं यार, मिलके दोनों तंग कर रहे हैं, ये देखो हरकतें क्या करे, नो बेबी दिस इज वेरी डेंजरस थिंग, मामा तुम्हें टॉस दे, मामा ये भी रखो, मामा आर्यन को बिस्किट देगी, कम मामा आर्यन को बिस्किट देगी, कम की खबर बिस्किट, नहीं मैगी नहीं मैगी बिस्किट नहीं खाते, मैगी अपना खाना खाते हैं ना, मामा आर्यन को बिस्किट दे, खाओगे बिस्किट, मामा आर्यन को ये वाला बिस्किट देगी, लो
आर्यन का फेवरेट बिस्किट है ये, देखी मम्मा को वापस दो। ये भागो 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 भागो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मैगी को ढूंढ रहा है ताकि दोनों मस्तियां करेगी। तो और कभी तो अभी बताइए क्या किमची किमची बोल रहे थे, तो ये लेके आए हो, बनाएगा कौन किमची पता नहीं है, मेरा हाथ सूजा हुआ है। नहीं मैं नहीं बना पाऊंगी किमची बनाओगी, आटा तो नहीं गूंदोगे ना? नहीं आज मिक्सिंग कर दोगे, आज किमची इमोन बनाएगा गाइस, आज फर्स्ट टाइम बनाओ तुम किमची, कभी भी नहीं बनाई इमोन, सिर्फ खाते हो। आज मैं इमोन को, तो गाइस आज मैं इमोन को ना रेसिपी देने वाली हूँ और इमोन जो है वो किमची बनाएगा, ठीक है? डन है, मुझे जैसे ये आने का भी रेसिपी दे रहा है साथी का। अंडा तो इमोन अपने शौक से मेरे लिए बना रहा है, मेरा शौक है ना अंडा बनाने का बचपन से। लेकिन किमची इमोन टुडे ही गोना प्रिपेयर, आई विल जस्ट गाइड यू, आप इंग्लिश अभी बोल सकते हैं, अच्छे से गाइड करूंगी। वो तो दिखाओ जिसकी वजह से जूसर ना, जूसर जितने का सरप्राइज दिया इमोन ने, मुझे तो पता भी नहीं था कब ले गए, कब खराब हुआ, कब क्या। इन लोगों ने 5,000 से खरीदने का प्लान कर रहा था सब, मैं बोला अभी अब्बा मैंने और बापू ने बोला था कि हम लोग ना खरीद ही लेना यार। मैंने क्या बोला, इसने बोला थोड़ा ट्राई करते हैं। नहीं ठीक से बोलो, मैंने पैसे बचाए। नहीं अब्बा बोल, अब्बा अगर होता तो अब्बा तो बनवा के ही आता, कभी भी नया नहीं लेता, पहले ट्राई करता। तो अभी दिखाती हूँ आपको। तो गाइज ये जूसर है जो कि बन के आ चुका है, चलो अभी मैं आपको इसकी स्पीड दिखाती हूँ, ये हुआ भी है कि नहीं, क्योंकि सुबह चल ही नहीं रहा था, काम था इसमें बड़ा, लेकिन धोखा दिया, अभी देखते हैं कहाँ चला। चलाना सीखना तो आएगा, ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल देख के चलाना पड़ता है ना। हटो मैं चला, हटो हटो, सिर्फ मजाक उड़ा मेरा, अपना मुंह डालो फेस वॉश हो जल्दी। चल रहा है ना ये, पहले से भी ज्यादा तेज चल रहा है, नोट किया इमोन, पहले से भी तेज। अभी तो क्या जूस, क्या जूस बनेंगे, आम के जूस। बोलो जूस, बोलो चुप करो, बोलो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, बोलो सब्सक्राइब मम्मास, बोलो मम्मास, मम्मास चैनल। मेरा बेटा इंटरेस्टेड ही नहीं है, सब कुछ बोलता है लेकिन अपने मूड पे। और ये हमने गर्मी की वजह से राइस कुकर भी निकाल दिया है, राइस अभी इसमें ही बनते हैं। अभी आर्यन मामा के पास क्या कर रहा है? दादी। मामा के पास क्या लेने आए हो? मामा। कौन से मतलब से आए हो अपने, क्या चाहिए? पापा कार्टून, कार्टून चाहिए। हाँ ये तुम्हें कार्टून चाहिए, कौन सा कार्टून देखोगे? नो तितली। और क्या देखोगे बोलो? फ्रॉग। नो फ्रॉग, नो एनिमल। और क्या देखोगे? नो गाड़ी। और क्या देखोगे बोलो बोलो? नो गाड़ी। बोलो टिक टॉक टिक टॉक, बोलो हैप्पी ट्रेन छू छू छू। आर्यन आर्यन जुबान दिखाओ, आर्यन तुम्हारा दांत दिखाओ, मामा को दांत दिखाओ, हटा हाथ, अभी दांत दिखाओ, ब्रश करो बा ब्रश। मैं क्या बोला, शाम को ट्रेन से बैठते सुबह तक ये सारे शारीरिक प्रॉब्लम सॉल्व। गाइज मैं अभी आपको दिखाऊंगी, मैंने ना इस रूम में जो डाइनिंग टेबल है ना उसके लिए कवर ऑर्डर किया है, तो वो कवर जो है ना वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है और वो पता नहीं कैसा लगेगा इस डाइनिंग टेबल में, तो चलो आपको दिखाती हूँ और फिर इस डाइनिंग टेबल के ऊपर बिछा देते हैं। तो मुझे बड़ा दिल करता है घर में छोटी छोटी सी चेंजिंग करूँ, बड़ी बड़ी नहीं, जो हमारे पुराना फर्नीचर है नया फर्नीचर सब मिलजुल के अच्छे से रह रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं चाहती कि हमारा घर जो है ना मैं पूरा
पिंटरेस्ट स्टाइल कर दूं, ये अच्छा नहीं लगता। मतलब एक नॉर्मल इंसान का जो घर होता है ना, अगर आप घर में कभी नया घर लिया है तो उसको आप वैसे बना सकते हो, लेकिन अब अगर आपका एक ऑलरेडी घर है जिसे हमारे पास बहुत पुराने पुराने 30-30, 40-40 साल पुराने फर्नीचर है, 30-40 ईयर्स वाले फर्नीचर कहाँ से मैं हटा के और नए मॉडर्न फर्नीचर डाल दूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं जब छोटी छोटी सी चेंजिंग्स होते हैं ना वो करते रहती हूँ। तो अभी चलो आपको दिखाती हूँ मैगी, तुम्हें भी अभी डिस्टर्ब करना है। तो गाइज ये है वो कवर जो मैंने मंगवाया था, और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया तो इसलिए क्वालिटी मैं बता देती हूँ। बहुत पतला है इधर से, बहुत ट्रांसपेरेंट है डिज़ाइन, और यहाँ से थोड़ा मोटा है और अच्छा ही लग रहा है। चलो बिछा के देखते हैं कैसा है, और फिर इमोन से भी पूछते हैं ये कैसा लग रहा है। ये वाला कवर जो है ना वो कैसा है, चलो खोल के देखते हैं। नहीं बाद नहीं खोलूँगा, पहले तो ना इसको वो कर दे। ये मैंने कवर कब का खरीद के रखा था, सोचा था ब्लॉग करूंगी तो ब्लॉग में चेंज करूंगी और आप लोगों को भी दिखा दूंगी, हमारे इधर डाइनिंग रूम में भी नया लुक आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि ब्लॉग ही नहीं हो रहा था, तो आज ब्लॉग हो गया। तो चलो आज हटाते हैं। सबसे पहले ये वाली चीजें हटा दें। इधर एक ट्रांसपेरेंट सा है और नीचे नेट सा है, दोनों ही फोल्ड कर देते हैं। ये रही डाइनिंग टेबल, ये डाइनिंग टेबल विदाउट कवर भी अच्छी लग रही है। पता है कितना पुराना है? कितना पुराना है? 24 साल का। मुझे लगा 40 ईयर्स का, कोई है भी नहीं घर में। तो गाइस अभी जो है ना मैं इसमें इसलिए कवर चला रही हूँ, कवर इसलिए चलाना चाह रही हूँ क्योंकि ये माँ का एक स्टाइल है, तो मैं इतना चेंज नहीं करनी चाहती। तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई नया कवर लेती हूँ, तो मुझे ज्यादा ऑनलाइन ऑप्शंस नहीं मिले। तो मुझे ये वाला ना, मतलब मुझे पता नहीं था कि ये इतना गोल्डन आ जाएगा, मुझे लगा थोड़ा व्हाइट कलर में है ये डिजाइन, लेकिन ये ज्यादा गोल्डन गोल्डन आ गया है। तो मुझे ये डर है कि ये वाला अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, पता नहीं। चलो देखते हैं क्या ही करें। तो अभी जो है ना बिस्मिल्लाह करते हैं, खोल के दिखा दूं पहले। भाई इतना छोटा है नहीं, अरे नीचे वाला साइड तो व्हाइट है, ये देखो उल्टा बिछा दो। हाँ अगर उल्टा बिछा दो तो कैसा लगता है? दो स्टाइल में कर सकते हैं, उल्टा बिछाए। अगर उल्टा बिछाना नहीं चाहिए क्योंकि गोल्डन वाला जो है ना कलर बहुत ही, मतलब सही करो ना थोड़ा सा, थोड़ा हेल्प प्लीज, थोड़ा सा सही करो। तो गाइस अगर दो लुक दे रहे हो मैं आपको, मुझे कमेंट से बताना कि व्हाइट या फिर गोल्डन, ठीक है? तो सबसे पहले ये व्हाइट कलर का ना कुछ इस तरीके से दिख रहा है, नॉट बैड है मैम, अच्छा मतलब खराब नहीं लग रहा, लेकिन गोल्डन वाले में थोड़ा डिटेल काम किया हुआ है। तो अभी उल्टा करते हैं। अब बाप रे, आंखों में मोतिया चढ़ गए। करीब से आके देखो ना कैसा लग रहा है, असल में इसमें बहुत रिफ्लेक्शन आ रहा है। इससे इसे देखो, इधर आ जाओ, साइज में तो छोटा तो नहीं है, इधर आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी, नहीं उससे लटक रहा है, इससे इसे गोल्डन नहीं दिख रहा। अरे हाँ इससे इसे क्यों गोल्डन नहीं दिख रहा पता नहीं, हाँ उस साइड से बहुत गोल्डन आ रहा है। अरे ये लाइट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है मोन, शायद असल में इतना गोल्डन नहीं है, लेकिन इसकी गाइस डिजाइन ना काफी अच्छी है। देखो ये वाला काफी अच्छा, मतलब काम किया हुआ है, इसे हाथ पे लग रहा है। ये है हमारा न्यू लुक, न्यू कवर इस डाइनिंग एरिया का। अभी आप मुझे कमेंट से बताना कि गोल्डन कलर का रखूं या फिर इसको मैं उल्टा कर दूं, तो दो ऑप्शन थे। और दूसरी बात, इस साइड से देखो तो दिख रहा है गोल्डन, इस साइड से देखो तो व्हाइट दिख रहा है। अब इसका क्या लोचा है पता नहीं, तो मुझे तो अच्छा ही लगा, कभी कभी चेंज करनी चाहिए ये छोटी छोटी चीज। चलो गाइस मैं उनको अभी गाइड करते हैं किमची की प्रिपरेशन जो हो गई है। सबसे पहले तुम्हें किमची डालनी है बड़े बॉल में, और ये कैसी किमची लेके आए, ग्रीन क्यों है? ये चाइनीज की बोला है, चाइनीज केबेज तो यही दिया मुझे, चाइनीज केबेज व्हाइट हो गई है। हाँ ये चलो देसी स्टाइल किमची बन रही है आज, तो होता होगा शायद, होगा शायद। चलो जो भी हो किमची ट्राई करते हैं। और ये राइस का जो है ना फ्लोर ये बना दिया है हमने, तो अभी ये इसमें नहीं 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 इसमें सबसे पहले लाल मिर्ची डालो। चलो अच्छे से डालो, अपने हिसाब से डालना, जितना भी डालो थोड़ा और डालो थोड़ा, ठीक है ठीक है ठीक है। डालना इसमें थोड़ा सा नमक, येलो नमक। चलो जल्दी 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 नमक खोलो किमची का, हाँ एक चम्मच दे दो भले। हाँ ये है लहसुन और प्याज, नहीं अदरक नहीं, लहसुन और प्याज का पेस्ट वो डालना है इसमें, ठीक है? अभी इसको मिक्स करना है। हाथ से नहीं, हाथ से नहीं, हाँ जलेगा। हाँ मिर्ची है, इससे करो गोल गोल करके अच्छे से मिक्सिंग करो। हाँ गोल 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 करते जाओ। मैगी ने इसको डांटा, अभी आर्यन रोने लग गया। मैगी नो, आर्यन बेबी, मैगी उसको ऐसे डांटा, रोने लग गया। नो मैगी नो, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है,
देखो हाँ यार ठीक है क्या करें मोना कुछ नहीं बच्चा कुछ नहीं मैगी नो। तो गाइज ये जो है ना मिक्सिंग हो गई है अभी इमोन तुम्हें ये सारा इसमें डालना है ठीक है अभी मैं आर्यन को देख रही हूँ तुम जल्दी काम करो। गाइज ये जो है ना इमोन करने लगा है किमची की प्रिपरेशन और मैं इन बच्चों को देख रही हूँ क्या हो गया बच्चे मिलजुल के रहो। और इमोन ये जो है ना वो भी जाएगा लाल मिर्ची बहुत ज्यादा जाती है लेकिन ये ऐसे खुद ही रेड हो जाएगा जब मैरिनेट होगा ना अभी जो है ना लाल मिर्ची और नहीं डालो ज्यादा हो जाएगा टू मच हाँ ये डालो और इसको हाथ से मिक्सिंग कर देना संभाल के क्योंकि स्पाइसी हो गया अभी। गाइस ये दो डब्बे जो है ना वो किमची के बने हैं अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखो अभी जो है ना इसमें लाल कलर और भी हो जाएगा जब ये फर्मेंटेड हो जाएगी और ये रहा एक और डब्बा खुशबू काफी अच्छी आ रही है दिखने में भी काफी अच्छा लग रहा है सो गुड जॉब इमोन यू डिड अ गुड जॉब। तो गाइस ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और बोलना कि आपको इमोन की किमची कैसी लगी। इतने दिन बाद इमोन ने कुछ बनाया है मतलब किमची बनाई है और ये किमची 7 दिन में बनते हैं। तो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखना और गुड बाय खुदा हाफिज सब्सक्राइब करो फोन करेगा डोंट वांट टू सब्सक्राइब खुदा यू से नो जोकम इसांगे जसो जाकुमन शीतो ते तो अपशी शिमुरु का कोमिनी सेंग्यानी तेगाक्यो यांगो सुअप शिकाने बेवसतोन ह्योंजे जिनेंग्योंग गता